आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पर, फर्स्ट है शिक्षा पर, सेकंड है भोजन पे, और तथा शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत जो है 840 रुपया है। उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है, टोटल आय क्या है? तो ऐसे सवाल को आसानी से बनाइए। मान लीजिए उसका टोटल आय एक्स है, टोटल आय एक्स है, टोटल इनकम एक्स है, तो एक्स में रुपया में 20% शिक्षा पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना है? बचा उसके पास में 80% बचा, 80/100, फिर जो है वह 30% भोजन पे खर्च कर दिया, 100 में 30% खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 70% बचा, 70/100, फिर वो अन्य खर्च में 40% कर दिया, तो 60/100 बच गया, तो बचा क्या टोटल? लास्ट में कितना बचा हुआ है? तो बचा हुआ 40, खर्च कर उड़के इसे 40 बचा। आप इसे कैलकुलेशन कर ले, आपका आंसर आ गया, फिर इसे काट दे, आ गया आपका आंसर, तो कितना हो गया? 46, 8×42 कर दीजिए, बटे 1000 बराबर 8 × 40। अब इसे इधर से कट रहा है, 8×8, 8×5, 40, 105 बार में कटा, 7 से काटेंगे, 46, 15×7, 75 से, फिर 3 से काटेंगे, 2 बार में, 5 बार में, 2 से काटेंगे, 500 आ जाएगा। अब इसे 5 से गुना कर दें, तो x बराबर इधर क्या है? x है, x बराबर क्या निकल गया? 500 × 5, 25, 2500 रुपया उसका मासिक आय था टोटल। यदि आप इसे चेक भी करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, 2500 का आप जो है 20% खर्च कर दीजिए, 80% बचेगा, फिर 80% में आप इसे चेक करना चाहते हैं मेरा आंसर सही है या नहीं, तो आप देखिए निकाल के 840 रुपया बच गया, 2500 का कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर सही है। ऐसे 2500 रुपया है आपके पास टोटल इनकम, 20% खर्च कर दिया, 80% बचा, 80/100, फिर 30% करें खर्च तो 70 बचा, 100 में 30 घटा दीजिए 70 बचेगा, 70%, उसके बाद फिर खर्च करता 40%, 100 में 40 खर्च कर दिया कितना बचा? 60%, 60/100, इसे कैलकुलेशन काट के देखिए कितना आता है, जो आएगा वही आंसर आएगा, 840 बचना चाहिए, देखते हैं 840 आता है या नहीं, 2 से काट दीजिए, ये हो गया 2500 × 46, 200 × 42 करेंगे, 42 × 2 कितना हो गया? 84, 10, 20, 30, 10 और बचा हुआ था यहाँ पे, यह 0 जो है 10 यहाँ बचा, 0 कटेगा, 440 रुपया आपका आंसर है। तो ये रहा क्वेश्चन, देखिए चेक हो गया कि मेरा आंसर सही है, थैंक यू। तो ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 16% किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर चीनी की खपत कितना परसेंट कम कर दिया जाए ताकि इस खर्च पर, इस मद पर खर्च ना बढ़े। तो हम जो भी सवाल को बनाएंगे, इस सवाल को ध्यान रखेंगे, परसेंट वैल्यू को से स्टार्ट करेंगे, तभी आपका जो है एक फॉर्मूला टाइप से आपको याद रहेगा। जो वर्तमान वैल्यू है, पहले 16 था, अभी क्या 18 है, हम 18 से स्टार्ट से लिखना करेंगे, 18 रुपया अभी वर्तमान वैल्यू है, पहले कितना था? 16 था, पहले था 16, तो यार डिफरेंस कितना है दोनों का? 2 रुपया का है। इसे जो है इस वैल्यू पर, 18 के वैल्यू पर निकालेंगे, इसलिए यहाँ 18 पर निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा 18% का जो होने पर खपत कितना परसेंट कम होगा, 18 होने पर, 18 नीचे रखें, परसेंट में इसे बदलेंगे, 100 से गुना करेंगे और इसे काटेंगे 9 से, 100 में जब 9 से भाग देंगे तो आ जाएगा 11×1/9%। यदि आप इसमें फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं, यदि आप इसमें फॉर्मूला याद रखना सकते हैं, कमी प्रतिशत बराबर, इसका फॉर्मूला आपका बनेगा x माइनस वाई बटे वाई गुना 100। इस फॉर्मूला को याद रखे भी बना सकते हैं, इसे आप x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, नहीं इसे आप x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, अगर माइनस में आंसर आएगा तो कमी होगा, प्लस में आंसर आएगा तो वृद्धि होगा, तो आप इसे बैठाइए 16 − 18/100 कितना आ गया, घटाएंगे −2/18×100, यानी कि 2 से काटेंगे 9 बार में, कितना 100/ माइनस में निकल रहा, इसलिए इसका आंसर कमी परसेंट होगा, 9 = 11×1/9। फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं आप, फॉर्मूला याद रखें, नहीं तो बेसिक याद रखना चाहते हैं, इस रूप से मैं, थैंक यू। एक क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन है, संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक को 270 रुपये में पहले से 5 kg, पहले जितना मिलता था उससे 5 kg 5 kg संतरा कम खरीद पाता है, तो संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? तो आप यदि फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं, फॉर्मूला आपके लिए बनेगा, इसे आप x माने और इसे आप y माने और इसे जो है a माने, तो आपका फॉर्मूला निकल जाएगा, बढ़ा हुआ मूल्य बराबर
बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य बराबर हो जाएगा फॉर्मूला एक्स वाई बटे सो इंटू ए। आप इस पे बैठा दे वैल्यू को, आपका आंसर मिल जाएगा 10 गुना वाई का मान है 270 बटे 100 गुना ए का मान है 5। आप इसे हल करें, आपका आंसर आ जाएगा, सुना कट गया, सुना कट गया 27/5, 27/5 आया, 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 25, 5 आया, फिर 5 और 20, 5 रुपया 40 पैसा जो है इसका आंसर हुआ। आपको इन बातों को ध्यान देना होगा, आप यदि जो 100 यहाँ रखते हैं तो आपको जो है बढ़ा हुआ मूल्य निकलता है, क्योंकि पहले आपका मूल्य था 100 रुपया, अब 10% वृद्धि हो गया तो आप इसे बढ़ा करके निकालते हैं, तो 100 से जब भी 10% जोड़ेंगे तो बढ़ा हुआ मूल्य निकालेगा। इसलिए आपको एक याद रखना होगा, 100 पे हमेशा बढ़ा हुआ मूल्य निकलता है, नहीं तो पहले वाले मूल्य पूछेगा तो आपको 100 में उसके लिए आपको फॉर्मूला बताते हैं, जो कि बढ़ा हुआ मूल्य पहले का मूल्य पूछेगा, तो आरंभिक मूल्य बराबर आरंभिक शुरुआती मूल्य बराबर फॉर्मूला जो बनेगा एक्स इंटू वाई एक्स गुना वाई बटे सो प्लस एक्स इंटू ए। यह फॉर्मूला से शुरुआती का मूल्य निकालेंगे, आप इन दोनों फॉर्मूला को याद रखें तो आप सवाल को बना पाएंगे अच्छी तरह से। या जो 27/5 करते हैं, इसको निकालने के लिए 5 केजी का दाम होता है 270 रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना होगा 270/5 कर दिए, यही 1 केजी का दाम यहाँ पे रख देते हैं, तो मेरा आंसर यह निकलता है। तो थैंक यू, यह सवाल समझने के लिए धन्यवाद।